परीक्षा के दिनों में मेरा बेटा तनाव में रहता है, क्या करूं? सवाल बेटा मेरा बेटा सातवीं क्लास में पढ़ता है। जब परीक्षा देने के लिए घर से निकलता है तब भी तनाव में रहता है। हम उस पर पढ़ाई का ज्यादा प्रेशर नहीं डालते, लेकिन थोड़ा बहुत तो बच्चे को कहना ही पड़ता है। इसके पापा कहते हैं कि हम नहीं समझाएंगे तो यह समझेगा कैसे। मुझे अपने बेटे की बहुत फिक्र होती है, इकलौता बेटा है, सारा ध्यान इसी में लगा रहता है। क्या करूं जिससे यह तनाव से बाहर निकले? जवाब परीक्षा शब्द सुनते ही वैसे ही बच्चे तनाव में आ जाते हैं। फिर परीक्षा से पहले माता पिता की चेतावनी, नसीहत उनके डर और तनाव को और बढ़ा देती है। जबकि माता पिता भी नहीं चाहते कि उनका बच्चा हतोत्साहित हो, लेकिन अक्सर बच्चे के भले के लिए उन्हें सम उमाने के चक्कर में माता पिता के मुंह से ऐसी बातें निकल जाती हैं जो उनके आत्मविश्वास हौसले को कम कर देती हैं। सबसे पहले तो परीक्षा के दिनों में घर का वातावरण खुशगवार बनाए रखना माता पिता की पहली जिम्मेदारी है, ताकि बच्चा पूरी तरह से अपना ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित कर पाए। परीक्षा के दिनों के दौरान उससे ये बातें बिल्कुल न कहें, जैसे पढ़ा हुआ सब याद है ना, सोने के बाद भूल तो नहीं गए। परीक्षा को गंभीरता से लिया करो, ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, तुम्हारी पढ़ाई पर इतना पैसा खर्च कर रहे हैं आदि। आपने लिखा है कि परीक्षा देने जाते वक्त भी बच्चा तनाव में रहता है, तो उसे प्यार से विदा करें। मार्क्स की चिंता किए बगैर परीक्षा हॉल में सिर्फ पेपर पर ध्यान देना। खुद पर विश्वास रखो, तुम अच्छा कर सकते हो। हमने देखा है तुमने बहुत मेहनत की है, बिल्कुल मत घबराओ। चाहे जैसा भी परिणाम आए, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें समझाते हैं। आराम से परीक्षा देने जाओ, हम तुम्हें लेने समय पर आ जाएंगे। माता पिता की कही हुई हर छोटी से छोटी बात भी बच्चे के मन पर काफी प्रभाव डालती है। यदि आप उससे सकारात्मक शब्द कहेंगे तो उसकी ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी और वह निश्चिंतित होकर परीक्षा देगा। ऐसे मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करना मत भूलना। जय हिंद, वंदे मातरम।